नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत खेलाजी के सरपंच पति कविंद्र खड़से व पुत्र दिल कुमार खड़से द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में दर्ज हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर चार हितग्राही जिसमें संतोष गोले, रंजिता वाघाड़े, शोभाराम लिल्हारे, सुकरी चंद लिल्हारे से हजारों मोटी रकम वसूल की गई। एक मामला और सामने आया जहां मीनाक्षी तालाब के लिए हितग्राही महिला उषाबाई के पति हगरू लाल बहेटवार से 11,000 रुपए की मोटी रकम वसूली गई। उक्त हितग्राहियों को आज तक आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। हितग्राहियों ने बताया कि हमारे द्वारा सरपंच पति एवं पुत्र से मांग की गई कि आप हमारा रुपए वापस कर दीजिए। कहा तो सरपंच पति व पुत्र द्वारा सभी हितग्राहियों को धमकाया गया और हद तो तब पार कर दी जब सरपंच पति और पुत्र ने सभी हितग्राहियों को झूठे केस में फंसाने की बात की। इस पर सभी हितग्राही अपनी समस्या लेकर जिला पंचायत सदस्य राम कुमार नगपुरी के पास पहुंचे। नगपुरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान में लेकर अग्रिम कार्रवाई की मांग करते हुए उच्च अधिकारियों को आवेदन प्रेषित किया एवं थाने में भी लिखित शिकायत दर्ज कराई। खेलांजी से किसन बहेटवार की रिपोर्ट। आपका नाम? कहाँ के निवासी हो आप? क्या शिकायत की गई है आपके द्वारा? तालाब के बारे में, मीनाक्षी तालाब। मीनाक्षी तालाब के बारे में? हाँ, तो क्या थी शिकायत, किसके द्वारा यानी किसके विरोध में की गई शिकायत? विरोध वो मांग के विरोध में। नहीं नहीं, किसके विरोध में की गई, यानी कौन है विरोधी, कौन है आपके, मतलब किसके? सरपंच पति मांग है जी, उनको पैसे दिया हूँ ना अपने। किसको दिए उसका तो नाम बताइए, किसको दिए? उसका लड़के का नाम कविंद्र को। कविंद्र खड़से? हाँ, खड़से। सरपंच पति को? हाँ। कितना रुपए दिया गया? मैंने दिया हूँ 1100 रुपये। 11,000 रुपए दिए। तो क्या बोला गया था आपको? उनने बोले कि तालाब, हम मीनार की तालाब बनाते हैं तुम्हारा, तुमको पैसा लगेगा, कहीं कहीं खर्चा लगता है हमको, वहाँ 10,000, वहाँ 500, वहाँ 500, वहाँ 500। तो बोले इतना इतना पैसे दे दे, तुम्हारा पास हो जाएगा। तो तीन साल हो गए तो पास होने को चाहिए। तो आपके द्वारा थाने में शिकायत की गई? हाँ। मेरा मकान आधा गिर चुका था, उसके बाद में दिल घर से आया और बोला कि काका ये आधा मकान भी गिरा दे, मैं इसको बनवा दूंगा, तो 11,000 रुपये दे दी। मेरा आदमी संजय पिता का नाम है, समरलाल दमाए, उसको मैं भेजूंगा तो उसके पास में 11,000 रुपये दे देना। तो मैंने संजय उसका आदमी है और पंच है, तो उसके हाथ में मैंने 11,000 रुपये दिया। तो आपको योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। कब की घटना है ये? ये कब की घटना? 2 साल करीब हो गए। 2 साल करीब हो गया, आपको कोई लाभ नहीं दिया गया? नहीं। तो आपके द्वारा कुछ उच्च कार्रवाई की गई? हाँ, कार्रवाई की है कि हमारा 11,000 रुपए वापस कर दे, ब्याज सही या कानून कार्रवाई करना चालू है। आपके द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई? हाँ, एफिडेविट के साथ, शपथ पत्र के साथ। मेरा भाई के लिए मकान बनने के लिए कविंद खड़से एवं उसका पुत्र साथ में आया, बोले मेरे लड़के को 10,000 रुपये दे देना। मैंने अपने भाई से 10,000 रुपये लेकर कविंद खड़से को मैंने 10,000 रुपये दिया। उसके लड़के को बार बार घर आता था वो मेरे घर। मेरा भाई का मकान पूरा तरह से टूट चुका था। कितने दिन हुए दिए पैसे दिए? 1 वर्ष हो चुका है उसको। तो आपको योजना का लाभ नहीं मिला? वो नहीं मिला 1 रुपये लाभ। फिर आपने कुछ मांग की उनसे? मांग किए तो बोले 2 महीने में 3 महीने में पैसे मिल जाएंगे, मकान मिल जाएगा। अच्छा, उसके लिए हमने उसके लिए कार्रवाई की, थाने में लगाए। तो रिपोर्ट किया आपके द्वारा? हाँ, उसके द्वारा एफिडेविट। हाँ, एफिडेविट द्वारा किया उस अंदर में चौकी थाने में। फिर बोले मकान मिलने के बाद मेरा भाई यहाँ से मकान गांव छोड़ के चले गए कमाने। हाँ। उसका मकान नहीं रहने के लिए तो गए नागपुर। एक साल के ऊपर हो गया, पैसे दिए उसको 2 महीने 3 महीने के बाद पैसे मिल जाएंगे मकान। पैसे जब मांगने गए तो क्या बोला गया? तो बोले 2 महीने में आपको मकान मिल जाएगा। इतने दिन से हो गया, 1 वर्ष हो गया पूरा, आज भी नहीं मिल रहा है मकान। आज मेरा उसकी वजह से, कविंद खड़से का लड़का की वजह से मेरा भाई नागपुर रह रहा है, वर्धा जिले में रह रहा है। क्या छोड़ के क्या मांग करते हो आप? मांग तो यही है, मकान चाहिए था मेरे को, उसने बोला था झांसा दिया हमको मकान मिल जाएगा। आज जाने कार्रवाई पूरी हो जाए सरकार द्वारा, शासन से।
है तो मेरे सास का नाम आया था जी। सास का नाम आया तो उसने बोला तुम्हारे सास का नाम काट के। क्या नाम है आपके सास का? उसका फुलन भाई वाला। अच्छा हाँ, क्या बोला गया थे? उसने बोला तुम्हारे सास का नाम काट के तुम्हारे पति का नाम चढ़ा दूंगा। अच्छा, तो हमने बोले 10,000 रुपये लगेंगे। बोले पहले 5,000 रुपये दे दो और बोले फिर खाते में जमा होंगे तो 5,000 रुपये दे दो। तो मैंने 5,000 रुपये दे दीजिए उसको। जब मांगने जाते थे बोलते तुमने लाल नोट दिए कि हरे नोट दिए, ऐसे बताते। हमने पैसे कहीं के दिए पैसे। सुनने में आया कि आप लोगों को धमकी भी दी गई? नहीं जी, ऐसा बोल रहा है नहीं। अच्छा, बोले नहीं दूंगा पैसे। बोले तो तुम्हारे पास गवाह है क्या? बोले मुद्दा है क्या? बोले मैं तो बदल भी सकता हूँ। बोले मैंने बोली बदल भी सकेगा तो मेरा कुछ नहीं होता। मैंने बोली आपने जब राशि दी है ये कब की बात है? तो 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। मकान के लिए दिए? हाँ, मकान के लिए। तो मकान मिला क्या आपको? नहीं दिए जी। मकान भी नहीं मिला, पैसे भी नहीं दिए? नहीं, पैसे मांगते हुए बोलते नहीं देंगे तो क्या कर लोगे बोलते। तो आपके द्वारा कुछ उच्च कार्रवाई की गई क्या? हाँ, थाने में रिपोर्ट की गई। थाने में। तो ये आप क्या मांग करना चाहते हैं? मांग तो मकान होना हमको। अच्छा, मकान भी मिलना चाहिए और कार्रवाई भी होना चाहिए। हाँ। अभी आप फिर कहाँ रह रहे हैं? हाँ, वो टूटे मकान में झिल्ली झाले। टूटे मकान में रह रहे हैं? हाँ, पिछले 2 साल से। हाँ। आपके द्वारा जो अभी मामला उठाया गया है मकान इंदिरा आवास तो या जो प्रधानमंत्री आवास जो मिलता है उसके संबंध में, तो क्या मामला है सर ये पूरा? ये मामला ऐसा है कि जितने लोग अभी आपको बैठ दिए इन लोगों ने जी, ये सारे लोग मेरे पास आए कि एक एक करके आए कि हम लोगों ने कविन खड़से और उसके लड़के को पैसा दिया और अभी तक मकान नहीं दिया और पैसे मांगने जाते तो टालते रहता है। आज मकान मिल जाएगा, कल मकान मिल जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि सूची में नाम नहीं है, उसके बाद ही पैसा लिया गया है ना। तो इन लोगों ने मुझे एक एफिडेविट ला के दिया जी। मैंने कहा आप एफिडेविट बना लो, उसके बाद हम थाने में जाकर आवेदन देंगे और एफिडेविट भी देंगे। उसकी काफ़ी हमने थाने में दे दी है कि यह सबसे बात भी हुई उसमें। और कल जो है अपन जनपद सी ओ को भी देंगे, SDM को भी देंगे, कलेक्टर को भी देंगे और जिला पंचायत जो सी ओ है हमारी रजनी सिंह उनको भी देंगे। उनसे चर्चा भी करेंगे कि जिन लोगों ने पैसा लिया है ऐसे सरपंच पति और सरपंच पुत्र पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजा जाना चाहिए। इन लोग भी ऐसे ही मांगे और मुझे ऐसा पता चला है कम से कम ऐसे 100 लोग गाँव में जिनसे पैसा लिया उन्होंने। हर योजना में यहाँ का जो सरपंच का पति और सरपंच का पुत्र है पैसे ले लेकर ही काम करता है और कई लोगों के काम भी नहीं होते। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों की मांग पूरी होनी चाहिए और ऐसे गुनहगार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनसे पैसा इनसे लिया है। गरीब लोग हैं, इनको मकान भी मिलना चाहिए। मकान सूची में भी नाम है इन लोगों का, पता इनको मकान नहीं मिला। थाना प्रभारी द्वारा क्या आश्वस्त किया गया सर आपको? मैं थाने में गया था, थाना प्रभारी मैं एक मामले पे संज्ञान में लेता हूँ बोले और भी जो है जिसे पैसा लिया उनको कार्रवाई करूँगा ये उन्होंने बोला है। पर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने जब तक सी ओ से ही बात की है आज रविवार है तो कल उनसे मुलाकात होगी और सारे लोग भी रहेंगे। फिर उसके बाद उनको भी एक कापी दी जाएगी पूरे थाने की और जो इनका एफिडेविट बना हुआ है वो भी वहाँ पर सौंपा जाएगा। उसके बाद SDM साहब को देंगे और बाराट जाके कलेक्टर साहब को भी देंगे और जिला पंचायत में भी देंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे लोग और उनको मकान भी मिलना चाहिए।